गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर ऑनलाइन बायो क्लास फॉर क्लास 10। स्टूडेंट्स, एज यू नो, इन प्रीवियस क्लास वी हैड स्टार्टेड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर। दैट मीन्स यू मे से रिप्रोडक्शन। सो वी ऑलरेडी हैड स्टार्टेड रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस क्लास। वी टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। So in that class I told you there are two types of reproduction, asexual and sexual. So we are discussing asexual reproduction. Asexual, what is asexual reproduction? In which a single parent reproduces two or more than two individuals. Isme dual parents ki zarurat nahi hoti hai, akele parents hi, single parent hi reproduction karne mein capable hote hain. Student, aapko yaad hoga maine bataya tha aapko asexual reproductions jo hote hain वो 5 to 6 टाइप्स के होते हैं, जिनमें हम लोगों ने देखा था फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज फिजन। सो फिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। इस प्रोसेस में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्प्लिट करके टू या टू से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो फिजन टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन, व्हाट इज बाइनरी फिजन? बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट कर नए दो इंडिविजुअल्स बनाते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। सो बाइनरी फिजन्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर अमीबा का एक एग्जाम्पल लेंगे। Here students, as you are watching here, this is the diagram of binary fission in amoeba. कि amoeba में binary fission होता कैसे है? तो student अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो amoeba है ये उसका nucleus है, ये जो जो ये जो body का projection निकला हुआ है इसे हम लोग pseudopodia कहते हैं, okay? और यहाँ पर देखिएगा जो छोटे छोटे zeros like structure हैं, जिसे मैं closely आपको दिखा रहा हूँ, इसे हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल, ओके? ये जो पूरा अंदर में जो सैप है वो है साइटोप्लाज्म और ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए कि ये अमीबा का एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो अमीबा का है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस जो होता है वो लेंथेंस होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे क्या फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उनका न्यूक्लियस लेंथेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है साथ ही साथ। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आकर के जैसे ही इनका न्यूक्लियस अलग होगा तो ये साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह से एक अमीबा से दो न्यू डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओके? सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सिंगल पेरेंट जो मदर सेल थी अमीबा की, उससे टू न्यू डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है टू। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर मैंने डाउटर सेल ही नाम इसका क्यों दिया है और पेरेंट सेल को मदर सेल क्यों कह रहा हूँ? इसका भी एक रीजन है स्टूडेंट। डाउटर सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ईच सेल जो होता है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने में। हर सेल रिप्रोड्यूस करके दो नए इंडिविजुअल्स को बनाता है, दैट्स वाई इसे हम लोग डाउटर सेल कहते हैं, क्योंकि यही डाउटर सेल जब मैच्योर होगी तो फिर ये मदर सेल बन जाएगी और फिर ऐसे ही ये दो डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली बाइनरी फिजन इन अमीबा, ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दिस इज मल्टीपल फिजन। इन दिस टाइप ऑफ फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। इस तरह के फिजन में क्या होता है, जैसे बाइनरी में एक सेल डिवाइड होकर टू सेल्स में कन्वर्ट होता था, बट यहाँ पर एक सेल से कई सारे सेल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोअन है। स्टूडेंट, अगर हम लोग प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन की बात करें तो हेयर इज द डायग्राम। स्टूडेंट्स, एज यू आर वॉचिंग हेयर, यहाँ पर देखिए ये सिंगल पेरेंट सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, सेल है, साइटोप्लाज्म है, और सेल के बाहर एक कवरिंग है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, ओके?
बाद में जब ये थोड़ा मैच्योर होता है तो कई सारे डाउटर सेल्स को बना देता है, बट अभी भी फेवरेबल कंडीशन नहीं आया है, डाउटर सेल्स इसके अंदर बने हुए हैं। बट आफ्टर सम टाइम ये सिस्ट क्या होता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, सिस्ट ब्रेकडाउन होता है। और सिस्ट के ब्रेकडाउन होने से क्या होते हैं, बहुत सारे डाउटर सेल्स जो इसके अंदर होते हैं सारे बाहर आ जाते हैं और डाउटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं आप, उनमें मल्टीपल फिशन होता है और ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो मल्टीपल फिशन में सेल्स का जो रप्चर होता है उसे एनालाइज करेंगे हम लोग, और जो सेकेंड टाइप का जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बर्डिंग, उसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू ऑल जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी। विल मीट अगेन विथ अनदर टॉपिक, तो आप सभी से बनाएंगे और अच्छे से राइट डाउन करेंगे। इसे मैं अगली क्लास में एनालाइज भी करूँगा कि मल्टीपल फिजन कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, इन सभी पर डिस्कशन की जाएगी स्टूडेंट अगले क्लास में। मिलते हैं, टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।